अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ड्रा स्पायरल कर्व इन ऑटोकैड और ट्रांजिशन कर्व इन ऑटोकैड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सके। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे हम इसको सिविल 3D और ऑटोकैड दोनों में वेरीफाई करेंगे कि ये कैसे वर्क करती है। इसके लिए हम एक लिस्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट लोड करता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे ये लिस्ट है, इसको मैं लोड करता हूँ और क्लोज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये सिंपल लाइन एंटिटी है, इसके लिए आपने लाइन ही ड्रा करनी है, पॉली लाइन पे ये वर्क नहीं करेगी, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक अलाइनमेंट ड्रा कर लेता हूँ ताकि हम बाद में इसको कंपेयर कर सकें कि ये ठीक से वर्क करती है या नहीं करती है। तो यहाँ पे ये जो है, ओके, यहाँ पे मैं अलाइनमेंट ड्रा कर देता हूँ। अलाइनमेंट ड्रा करने से पहले जो है, यहाँ पे आपने इसकी कर्व सेटिंग वगैरह कर लेनी है, जहाँ जिस पे जिस डिमेंशन पे आपने स्पायरल ड्रा करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास स्पायरल इन और स्पायरल आउट 20-20 मीटर है और सर्कुलर कर्व 80 मीटर है, ओके। टेंजेंट विद योर कर्व, यहाँ पे आपने ये PI मेथड से आपने इसको ड्रा कर लेना है। ये अलाइनमेंट हमारी ड्रा हो गई है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने इसको ड्रा करके देखना है कि ये वर्क करती है या नहीं करती है, ओके। तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ फिलहाल इन लेबल्स को, ओके। यहाँ पे लेबल हमारे हाइड हो गए हैं, ओके, ये अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसकी शार्ट कमांड है FSPI, ओके। जैसे मैं ये शार्ट कमांड इसमें मैंने एंटर किया है लिस्प की, तो यहाँ पे सेलेक्ट फर्स्ट टेंजेंट की ऑप्शन आई है मेरे पास। तो ये हमारा फर्स्ट टेंजेंट है, फिर नेक्स्ट टेंजेंट का पूछा जा रहा है। नेक्स्ट मैं क्लिक करता हूँ लाइन पे, तो यहाँ पे मुझे सर्कुलर कर्व का पूछा जा रहा है कि आपका सर्कुलर कर्व का क्या रेडियस है। तो मैंने यहाँ पे 80 एंटर किया है। ट्रांजिशन में मैंने इसको 20 और 20, ये आप डिफरेंट भी एंटर कर सकते हैं, हम उस ऑप्शन को भी देखेंगे। जैसे मैंने इसको एंटर किया है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी स्पायरल, ओके, सर्कुलर कर्व और स्पायरल जो है वो ड्रा हो गए हैं। मैं फिर इस कमांड को एक्टिव करता हूँ, फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री, और यहाँ पे मैं इसको एंटर एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे हमारी दूसरी कर्व भी ड्रा हो गई है। अभी हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सिविल 3D अलाइनमेंट के साथ मैच करती है कि नहीं करती। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सर्कुलर कर्व है और यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व है, ओके, ये हर जगह पे ये बराबर मैच हो रही है। तो ये तो सिविल 3D में था कि वेरिफिकेशन भी हमारी हो गई है ये कि ये सही वर्क करती है या नहीं करती। अभी हम इसको ऑटो कैड में भी वेरीफाई कर लेते हैं कि ये ऑटो कैड में भी वर्क करती है या नहीं करती। इसको ऑलरेडी मैंने लोड किया है इसमें, ओके, FSPI, ओके। यहाँ पे ये मेरे पास जैसे ये पॉली लाइन है तो इस पर ये वर्क नहीं करेगा। मैं इसको एक दफ़ा एक्सक्लूड कर देता हूँ, ओके। अभी मैं इसको FSPI की कमांड देता हूँ और फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रेडियस जो है वो चेंज कर देता हूँ। मैं इसको 60 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 15 मीटर, और यहाँ पे मैं इसको 10 मीटर कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट स्पायरल जो है जो हमने डायमेंशन दी है उसी के हिसाब से ड्रा हुआ है, और सेकंड जो है वो उसी के हिसाब से ड्रा हुआ है। मैं फिर कमांड को एक्टिव करता हूँ, फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री, और यहाँ पे मैं इसको 70 रखता हूँ और मैं इसको दोनों को जो है 20-20 मीटर जो है वो इंटरवल देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारी कर्व ड्रा होगी। ये दूसरी एंट्री है, इस पर भी हम ट्राई करके देख लेते हैं, ओके। ये भी पॉली लाइन है, इसको भी मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ, FSPI, ओके, यहाँ पे आ गया है, ओके। और यहाँ पे मैं इसको 50 और यहाँ पे मैं इसको 25 25, ओके। सेम मैं इसको कमांड को दोबारा एक्टिव करता हूँ, ओके। यहाँ पे मैंने फिर इसको क्लिक किया और इस दफ़ा मैं सर्कुलर जो है वो 30 रखता हूँ, और यहाँ पे ये जो है मैं 7.5 इंटर करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी ये ड्रा हो गया है, ओके। यहाँ पे फिर मैं इसको फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे इस दफ़ा मैं इसको 50 रखता हूँ, और इसको मैं 10 रखता हूँ, और इसको भी मैं 10 रखता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विद स्पायरल हमारी जो है वो सर्कुलर कर्व भी ड्रा हो गई है।
तो ये आज का वीडियो था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।